उड़ीसा में हमने जो गलती की है ये गलती यही नहीं होना चाहिए, ये सोच करके मैंने आया हूँ। तो उड़ीसा में हमको भी ऐसा पैसा लालच करके कुछ लोगों को आकर्षित करके कुछ लोगों को नौकरी देंगे कहा और नौजवान लोगों को आकर्षित करके एक फैक्ट्री बना दिया। तो आंदोलन लोग थोड़ा कमजोर हो गए थे इसीलिए इस फैक्ट्री बन चुका था। तो फैक्ट्री चलते हुए जो प्रदूषण इतना बढ़ गया जे आसपास में खेती करने वाला का असुविधा हो गया, प्रोडक्शन कम हो गया। दूसरी ये जो जहरीला पानी और जहरीला हवा इतना असर कर पाया कि बहुत सारे लोग को एलर्जी की जो स्किन चमड़े का रोग ज़्यादा हो गया और आँखों का रोग हो गया, टीबी ज़्यादा दिखाई दिया और कैंसर भी हो गया। दूसरी बात ये होता है कि बाद में लोगों को जिन्होंने समर्थन किए थे उनको पता चला कैसा कि एक बार गंदा पानी नदी में छोड़ दिया तो ये गंदा पानी छोड़ने का टाइम में 3 महिला नहाने गई थी, 1 महिला तो बाहर थी अंदर नहीं घुस रही थी, 2 महिला जा करके नहा करके देखा इनका चमड़ा पूरा उतर गया। और 4 गाय और 2 बकरा पानी पीकर मर गए। तो इससे पता चला कि हम जो आंदोलन के लिए जो आह्वान करते थे ऐसा होगा ये होगा ये होगा कहने से लोगों को मन में अरे हल्का से इन लोग ले रहे थे, बाद में देखा ये सच्ची है और इसको हम रखना नहीं, अगर ये रहेगा तो हमारा जान खत्म हो जाएगा। इसीलिए लड़ाई ताकतदार लड़ाई हो गया और वेदांत भगा दिया, वेदांत हट गया, वेदांत डिफिटेड हो गया। तो मेरे कहना ये है कि अगर हम जो गलत कर दिए थे ये आपका मौका आ गया है तो अभी सुधरने का, तो अभी अगर इसको रोक नहीं पाओगी और ये फैला देगी जहरीला हवा जहरीला पानी ये सब हो जाएगा, बाद में आप रोकोगी लाभ कुछ आपको मिलने वाला नहीं। इसीलिए तैयार हो जाओ, जागो और आगे बढ़ाओ आंदोलन। अले हैं।